हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई एडवोकेट, मान लीजिए आप एडवोकेट हैं, आपने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, या फिर आप अभी लॉ ग्रेजुएट हैं और आप चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं जो कि बार काउंसिल में होता है। तो बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको स्टेट बार काउंसिल में भी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मान लीजिए आपने दिल्ली में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है और आप दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या आप यूपी के केस में प्रोसीडिंग नहीं कर सकते? तो आप यूपी की कोर्ट में, अगर आपको पास में कोई यूपी का केस आ जाता है और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं दिल्ली में, आपने जो रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है वो दिल्ली में कराया हुआ है, और आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसा केस आ गया जो कि यूपी की कोर्ट में है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या उस केस को आप खुद उसकी पैरवी कर सकते हैं, आप खुद उसकी प्रोसीडिंग कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं। परंतु करेंगे कैसे? इसे करने के लिए क्या करना होगा आपको, जो कि आप उस वहाँ की कोर्ट में जाके अपियर हो सकें और अपने जो क्लाइंट है उसके पक्ष को रख सकें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए क्या करना होगा आपको? आप यूपी की कोर्ट में, जिस कोर्ट में आपका चल रहा है केस, उस कोर्ट में आप जाइए। वहां से एक लोकल काउंसिल आपको हायर करना होगा। लोकल काउंसिल कौन होता है? लोकल काउंसिल वहां का कोई भी, वहां की कोर्ट का एक एडवोकेट जो कि वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहां की कोर्ट के एक एडवोकेट को आपको पहले हायर करना होगा। फिर आपकी जो फाइल है उसमें वहां की कोर्ट का, उनकी भी मोहर लगेगी, साथ ही आपकी मोहर लगेगी। उसके बाद में आप कोर्ट में अपियर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस केस को लड़ सकते हैं।